है कि हमारी YouTube फैमिली कैसे हो सब। आई होप कि अब सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज आयत की बर्थडे है तो बहुत आज खुशी का दिन है, बहुत अच्छा दिन है, बच्चों का स्पेशल दिन है तो बच्चों की खुशी में तो जाहिर सी बात है माँ बाप को सबसे पहले खुश होना चाहिए। और आज उनके दिन को स्पेशल बनाने के लिए मैंने काफ़ी सारी तैयारियाँ की हुई हैं, जितना मुझसे हो सका मैंने की हैं। और अभी बस स्टार्ट कर रहे हैं, बैलून फुला रहे हैं अभी, और थोड़ी बहुत जो भी डेकोरेशन है जो भी साथ साथ करूँगी वो सब आपको दिखाऊँगी। तो अभी चल के देखती हूँ कि बच्चों ने कितने बैलून फुलाए हैं। आपने शुरू भी कर दिए बैलून फुलाना। आप हैप्पी हो? आज आपकी दोनों बहनों की क्या है, बर्थडे। आप खुश हो? आप क्या गिफ्ट दोगे बहनों को? अभी याद नहीं है? नहीं। कुछ नहीं। बैलून तो बहुत सारे फुलाए हुए आज दोनों ने। हाँ अच्छा, वाह ये बहुत प्यारे लग रहे हैं ना, ये वाले काफी प्यारे लग रहे हैं। ये मुश्किल है इनको फुलाना, ये वाली मुश्किल है। चलो अभी तमन्ना भी आपकी हेल्प करेगी, मम्मा भी करेगी, सब मिलके फुलाएंगे। और बर्थडे गर्ल दूसरी कहाँ गई आयत, उसे भी पकड़ो, वो भी फुलाए। मैंने बर्थडे गर्ल को कुछ गिफ्ट दिया है। गिफ्ट दिया है? माओ है। अच्छा माओ इसकी तरफ से गिफ्ट है। चलो इनको फुलाना शुरू करो, फिर बाद में इन दोनों की तैयारी भी करानी है ना। तैबा ने रेडी होना है, आपने भी रेडी होना है। पहले सबसे पहले बैलून फुला लेते हैं। आ जाओ तमन्ना, शुरू कर लो, इनको खाओ। कुछ आप ले जाओ, कुछ मैं ले जाती हूँ। ये वाले सच में बहुत प्यारे लग रहे हैं ना, ये वाले बहुत क्यूट लग रहे हैं। देखो जितने क्यूट ना उतने मुश्किल भी। अच्छा इनको फुलाना मुश्किल है, अभी बच्चे फुला रहे हैं तो उनको पता चल रहा है कि कितना मुश्किल है। इसमें ना ये स्ट्रिप होगा, ये देखो यहाँ पे ये बना हुआ है, ये वाला स्ट्रिप होगा, चेक करो ये कहाँ है। इसी के साथ ना ये इस तरीके से ये ऐसे ही लाइन बनेगी बैलून की। देखो यही है, और भी था इसमें, एक और इसमें डबल टेप भी उन्होंने दिए। और ये क्या है इसमें देखो ना, इनके ऊपर बना हुआ है कि कैसे बनाना है, इसमें ज्वाइंट करना है। ये भी तो है। अच्छा ये डबल ज्वाइंट करने, ये देखो ये वाला बड़ा करना है आपने, ये वाले जो है 100 इंच इसको बड़ा फुलाना है, और बाकी जो ये वाले ना ये छोटे आएंगे तो फिर अच्छा लगेगा। आयत आ गई अपनी माओ को लेके आ गई, ये बड़े होंगे। आज माओ भी है आयत की बर्थडे पे, पिछली बर्थडे पे तो कुछ भी नहीं था, इस दफा तो माओ भी है हमारी फैमिली में, ये भी बर्थडे इंजॉय करेगी माओ। आयत, आयत की माओ भी आयत की तरह ही क्यूट है जी, वो कह रही ये फुलाओ। अच्छा यहाँ से जो है ना एक मैट्रेस उठा लिए, और वहाँ पे बैग भी जो थोड़ा बहुत सामान पड़ा था वहाँ से सब उठा लिए। एक ये मैट्रेस पड़ा इसको उठाना है, बाकी ये ड्रॉ लेनी है आयत की है, और ये जो स्टडी टेबल है ना इसका मैं सोच रही हूँ कि ना इसको हम वहाँ पे रख लें, और ऊपर कोई ना अच्छा सा कपड़ा एक चादर बिछा के ना इसी के ऊपर ही हम केक काट लें, क्योंकि ऐसी मेरे पास कोई बड़ी ऊंची वाली टेबल भी नहीं है। तो लास्ट टाइम भी आयत थी जब हमने बर्थडे की थी ना, तो तब भी मैंने यही टेबल यूज़ की थी, तो अब मैं सोच रही हूँ इसी टेबल को यहाँ पे रख दूँ। और सबसे पहले मैं बच्चों को नहला लेती हूँ, उसके बाद बाकी सब करेंगे। और ये देखिए कितने सारे बैलून फुला लिए हैं, और कितने प्यारे लग रहे हैं, कलर काफी प्यारा लग रहा है इनका। आयत कहाँ गई? वो रही आयत। आयत अपने बैलून के साथ खेल रही है। बर्थडे गर्ल आयत, हमारी बर्थडे गर्ल है आज की आयत। ये वाले बैलून मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं, ये देखिए ये वाले जो है ना, ये देखिए ये वाले बहुत प्यारे लग रहे हैं। हाय मुस्तफा, छत पे गया हुआ, आ जाओ मैं आप दोनों को अब नहला दूं, आयत को भी सबको नहला दूं। काफी सारे बैलून फूल गए, अब तो पूरा रूम भरा हुआ है, बहुत प्यारे लग रहे हैं। नीचे आयत तो बहुत हैप्पी है इतने बैलून देख के। आज आ जाओ तीबा, छोड़ दो अब, बाकी बाद में फुलाएंगे। आ जाओ जल्दी से आ जाओ। क्यों डरा रहे हो आप उसे? हाँ क्यों डरा रहे हो? मुझे तो लगा ये इनके साथ खेलेगी। वो नहीं खेल रही, वो डर रही है, देखिए बैठी हुई आराम से। हेलो हाय, हटा दो इनको, वो नहीं खेलना चाहती। आज आप हैप्पी हो कि मम्मा आपकी बर्थडे कर रही है? यस। आपकी बर्थडे लेट हो गई थी ना, अब आप खुश हो? यस। आप दोनों की एक साथ हो रही है? हाँ आपकी बहना की भी, आपकी भी,
क्योंकि डेट तो आप दोनों की सेम थी ना। yes. तो बस अभी मैं आप दोनों की अच्छी वाली बर्थडे करने लगी हूँ, है ना। अब आप खुश हो? yes. अच्छा, आपके बाल स्ट्रेट करें थोड़े से। yes. आपको अच्छे लगते हैं ना। चलो आ जाओ। माओ की बर्थडे है आज माओ। और ये देखिए कितना काम हो गया है। और ये देखिए मेरा भाई भी आया हुआ है, काफी हेल्प उसने भी कराई है। और हैप्पी बर्थडे वाले जो लेटर हैं, बच्चों ने सबने, भाई ने सबने मिलके खुलाए हैं। और बस अब इस टेबल का मैं सोच रही हूँ कि इसके ऊपर कौन सा मैं कपड़ा ढूंढ के आती हूँ इसके ऊपर रखे, ताकि ये जो है ना साथ में थोड़ा मैच हो जाए। ये अलग दिख रही है बहुत, स्टडी टेबल है ना ये। आपकी स्टडी टेबल काम आ गई मुस्तफा। हाँ, केक लाए हो बहना का? अभी जाएंगे और मेरा भाई भी आया हुआ है, तो मैं इसी के साथ ही जाऊंगी और देखते हैं कि कैसा केक ले। अच्छा, केक कैसा ले? इधर आओ। चॉकलेट केक। कई बार भी यही बोल रही थी, चॉकलेट केक ले। आयत अब फिर से पहुंच गई है। देखो ये एच ए हमारा लग गया और अब बाकी लेटर्स हमारी आयत लगाएगी। आयत आयत लेटर्स लगा रही है। ये बहुत प्यारा लग रहा है ना, ये कलर बहुत प्यारा लग रहा है। चलो आ जाओ हम बाहर चलें। आयत आयत नो, इसको खराब नहीं करना। मम्मा मेरी गुड़िया रानी नहा के आ गई। बर्थडे गर्ल, मम्मा की बर्थडे गर्ल, जल्दी से आ जाओ आप, रेडी कर दूंगा आपको मैं। आ जाओ। और ये देखे मैं इसको जैसे नहला कर आई हूँ ना, इसने टॉफी खाई है और टॉफी खा के देखे अपना माउथ कैसे किया हुआ है। आयु नो 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 नो, ये सारा खराब हो जाएगा, छोड़ दो इसे। आ जाओ जल्दी से बाहर, आ जाओ जल्दी से। चलो आयत को ना इस रूम में ही नहीं आने देते, वरना ये सब कुछ फैला देगा। आयत आप यहाँ से जाओ, आ जाओ बाहर चल। ये देखो ये सारी चीजें देख रही है और इसको पकड़ पकड़ के ना खींच रही है। चलो बाहर चले, आ जाओ। ये देखो सब कुछ उठा। अच्छा बाबा ब्लैक शीप कहाँ है? यहाँ पे कहाँ आ गया बाबा ब्लैक शीप? तो यहाँ नहीं है। उसके बाद हम केक लेने के लिए चले गए और मैं अपने भाई के साथ केक लेने के लिए गई थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि तैयबा का और आयत का दोनों का साथ ही है बर्थडे, डेट दोनों की सेम है। 4 नवंबर को आयत की है और पिछले मंथ 4 को तैयबा की थी। तो आपको पता है किस वजह से फिर मैंने बर्थडे नहीं की थी। तो आज मैं दोनों की एक साथ करने लगी हूँ, तो मुझे केक भी दो ही लेने थे क्योंकि दोनों को फिर अलग अलग कट करवाना था। इस वजह से यहाँ पर मेरे भाई साथ में थे तो वो देख रहे थे और मैं उसे भी कह रही थी कि आप देखो कौन सा सही लग रहा है कि दोनों का एक जैसा लें या फिर अलग लें। बस फिर केक लिया और वहाँ से वापस घर आ गए। ये कहाँ से आया है? मम्मा ये एक बाइकिया वाला अंकल आया था, उन्होंने हाँ? दिया। वाओ ये तो बहुत प्यारे हैं। उन्होंने कुछ बताया किसने भेजा है? सब्सक्राइबर ने भेजा होगा। हाँ बहुत ही प्यारा है और फ्लावर्स भी सारे फ्रेश हैं। ये आयत का गिफ्ट आया है। अच्छा केक भी साथ में भिजवाया है। ओ आयत, अच्छा हैप्पी बर्थडे आयत। देखें ये हमारे पता नहीं किस सब्सक्राइबर ने भिजवाया है और बहुत ही प्यारा है। इसपे कार्ड भी है? नहीं, कैरी हैप्पी बर्थडे टू यू। अब बस आयत को रेडी करते हो। नो 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 नो, आयत केक कट करेगी। आयत आपने अपनी ड्रेस देखी? देखो अभी इसका फेस वॉश करा के आई हूँ और देख ही नहीं रही इसको, केक काटना है बस, केक की जल्दी है। वाह आयत, आयत तो बहुत प्यारी लग रही है मेरा बच्चा। आयत आयत तैयबा आप सामने आओ, आप दिखाओ। वाह दोनों बहुत प्यारी लग रही हैं। तैयबा बहुत क्यूट लग रही है और आयत भी बहुत क्यूट लग रही है। वो देखो वो जादू की छड़ी घुमा रही है। मुस्तफा आप रेडी हो गए? मैं भी रेडी हो गया। मम्मा का क्यूट बॉय रेडी हो गया, मम्मा की जान। हाँ जल्दी बना रही हूँ। और ये देखें दोनों रेडी हो गई हैं माशाल्लाह से, दोनों बहुत प्यारी लग रही। आयत आयत सामने देखो आप,
तैयबा भी बहुत प्यारी लग रही है ना तैयबा। और ये इनका रूम डेकोरेट किया है तमन्ना ने, तमन्ना ने काफी हेल्प की है। और ये देखते हैं ये सारी डेकोरेशन तमन्ना ने की है, मैं बाकी कामों में लगी रही हूँ और तमन्ना ने काफी हेल्प की है। और ये रहा आयत का गिफ्ट जो कि कल मैं इसकी छोटी सी साइकिल लाई थी और जब इसने इसको देखा है वो मैं शूट नहीं कर पाई, काफी ज्यादा खुश थी इसको देख के। पता नहीं कौन सी आयत की सब्सक्राइबर ने आयत को विश किया है, प्यारे प्यारे फ्लावर्स भेजे हैं और आयत उनको तोड़ रही है। आयत आयत ऐसे करते हैं, बहुत ही प्यारे और बिल्कुल फ्रेश हैं ये सारे फ्लावर, बहुत प्यारे हैं। थैंक यू सो मच जिसने भी भेजा है। ये लो आपकी जादू की छड़ी। अच्छा आयत का भी ऐसा क्रोन है जैसे ये तैयबा ने पहना हुआ, ये छड़ी घुमा रही अपनी साइड पे हो जाओ, और वो ये लगा ही नहीं रही, बिल्कुल भी नहीं लगा रही, यहाँ पे अपने बालों में कुछ भी नहीं लगाने दे रही। अच्छा ये देखे ये मेरे भाई के बच्चे आए हुए हैं, गिफ्ट लेकर आए हुए हैं। फादिया आप क्या गिफ्ट लाई हो, आप किसके लिए गिफ्ट लाई हो फादिया? आयत के लिए लाई हो। ये देखे ये गिफ्ट लेके खड़ी हुई है कि कब केक कटेगा तो मैं गिफ्ट दूंगी, है ना फादिया? कितनी क्यूट है, गिफ्ट लेकर आई है फादिया, तो बहुत अच्छी बच्ची है। बस आयत का बहुत सारा फोटो शूट हो गया और यहाँ पर दिवाली भी है, बाकी पटाखे फोड़े जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो दिवाली का सेलिब्रेशन है यहाँ पर बाहर, ये देखिए वहाँ सामने दिए भी जलाए हुए हैं। और यहाँ पर आयत की बर्थडे भी है, मेरे भाई सब आ चुके हैं, बच्चे सब आ चुके हैं और आयत का सब ने बहुत ज्यादा इसकी पिक्चर ली है, बहुत सारे फोटो शूट हो गए, अभी थक चुकी है कि मम्मा बस अब मुझे उतारे, चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखें ये है तैयबा का गिफ्ट जो कि इतने सालों से तैयबा कह रही थी कि मम्मा हर बर्थडे पे मुझे कहती है कि मुझे साइकिल चाहिए, और ये इसने साइकिल पसंद की है, कल मैं वीडियो नहीं बना सकी थी। और आयत को देखें आयत कैसे खुश हो रही है। तैयबा आज आप खुश हो आपका बर्थडे गिफ्ट का, खुश हो? हाँ खुश होगी क्योंकि इसने अपनी पसंद की ली है। और माओ को देखें, माओ भी खुश है, इनके साथ इंजॉय कर रही है। फादिया ने इसे गिफ्ट दिया आयत को, आयत दिखाओ, आयत दिखाओ, देखो इतनी छोटी सी है और इतना बड़ा शापर उठाया हुआ है। और ये किसका गिफ्ट है? वो दूसरा है, वो उसका है, क्या नाम है उसका? तैयबा का, तैयबा का दूसरा, तैयबा का गिफ्ट है। तैयबा थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो फादिया को, थैंक यू बोलो। आयत आपने थैंक यू कहा? आयत, आयत ने बोला ना? आयत आपने थैंक यू नहीं बोला? और हमजा क्या लाया है? अच्छा ये हमजा की तरफ से गिफ्ट है, ये बड़ी बड़ी बॉल्स ली है। आयत आयत देखो देख कैसे रही है। आयत ये ले लो इसे। आयत अपना गिफ्ट तो दे, वो गिफ्ट देगी हमजा को। आयत ये ले लो। अच्छा और तैयबा का भी सेम ही है, तैयबा का भी सेम है, ग्रीन है, ग्रीन है तैयबा का। तैयबा आप हैप्पी हो? खुश नहीं हो रही आप? हैप्पी नहीं हो? अच्छा ये ऐसे ही चुप चुप रहती है। आयत देखें गिफ्ट लेने के लिए गई हुई है, मुझे गिफ्ट दे। अच्छा ये मेरे भाई इनको गिफ्ट इनके लिए लाए हैं, आज ही पंजाब से, कल ही आए हैं बल्कि, और अपनी सेटिंग कर रहे थे, उनके लिए गिफ्ट भी लेके आ गए। वाह आयत, और तैयबा को क्या मिला है?
वाह ये पजल्स हैं तैयबा को बहुत अच्छे लगते हैं ना। अच्छा ये आपके भाई की तरफ से आपने दिए। अच्छा ये मुझसे पैसे ले गया था इसलिए ये चीजें ली हैं आपने तो बहुत अच्छा है। आयत आपका बहुत प्यारा गिफ्ट है मामू ने दिए आपको डॉल है इसमें आयत। यहाँ गिफ्ट देने के बाद बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश थे और सब काफ़ी टाइम बाद एक साथ बैठे हैं। मैंने इनको केक काट के दिया साथ में मैंने चिकन पेटीज भी ली थी वो भी मैंने इनको दी। भाभी भी आई थी भाई सब मेरे साथ में थे और काफ़ी टाइम बाद ऐसा मोमेंट देखने को मिला। बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश थे जब सब साथ होते हैं और गिफ्ट बच्चों को इतने मिले कि अपने टॉयज़ में बहुत ज़्यादा खुश थे। यहाँ पे अपनी अनबॉक्सिंग कर रहे थे और तैयबा माशाल्लाह से बहुत खुश थी क्योंकि एक महीने से लगातार कह रही थी मम्मा बर्थडे मेरी आपने नहीं की कब करेंगी तो आज तैयबा की बर्थडे हो गई और उसका जो इतने सालों से मुझे अपनी साइकिल का बोल रही थी वो भी आज उसका ड्रीम जो था वो भी पूरा हो गया। तो दूसरी बात जो सब्सक्राइबर थी मैंने बाद में उस पर कार्ड देखा है फ्लावर्स के ऊपर कार्ड था नाज़नीन नाम से मुझे ये गिफ्ट आया था आयत को एक केक आया था और फ्लावर्स आए थे। थैंक यू सो मच बहुत ही अच्छा लगा कि आप सबका इतना प्यार है कि आप सब ने एड्रेस पता किया और एड्रेस पे जो है ना आपने फ्लावर्स और केक भिजवाया। सच में बहुत ज़्यादा खुशी हुई इतने प्यारे मुझे अल्लाह मियाँ ने एक गिफ्ट दिया है इतने प्यारे सब्सक्राइबर दिए हैं जो कि मुझे इतना ज़्यादा मेरा सोचते हैं मेरे बच्चों का सोचते हैं और ऐसे कमेंट में पढ़ती हूँ ना जब आप कहते हैं बच्चों को देख के हमें बहुत खुशी होती है तो ये दिल बड़ा हो जाता है कि आप सब मेरी खुशी में और मेरे बच्चों को खुश देख के आप कितना खुश होते हो और आप सब मेरे अपने हो। सॉरी आज का व्लॉग लेट हो गया तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और बस यही आज की वीडियो थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा।